व्हाट इज अ फाइटर्स आदर्श। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इमॉर्टल निक्स को कोशिश करें कि एक ही टीम से हरा दें, क्योंकि हम लोग का लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि कैसे आप इमॉर्टल निक्स को हरा सकते हैं, जिसमें हम पूरा दो टीम अच्छा से आपको बताए थे। हम होप करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हम तो पिछले वीडियो में सारे डेंजर इफेक्ट्स बता चुके हैं, तो अगर आपको इसके बारे अच्छा जानना है तो हम रिकमेंड करें पिछले वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्शन करने वाले हैं। अगर हम कार्ड ऑफ स्टोन्स की बात कर लें तो हम ऐसे सीओरी को लिया सेट दिए हैं, मैक्सिमम कूलडाउन कार्ड दिए हैं, एसएस 3 PG दिए हैं, और स्टोन्स में हम तीनों ही स्लॉट्स में डबल अटैक स्टोन दिए हुए हैं, जो आप सभी को भी देना चाहिए अगर आप BS SS किसी भी कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर SS क्यू का बात कर लें, SS क्यू को भी हम तीनों ही स्लॉट में डबल अटैक स्टोन दिए हुए हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। कार्ड्स की बात करें तो हम इसको भी लिया सेट दिए हैं, मैक्सिमम कूलडाउन कार्ड दिए हैं और SS 3 PG दिए हैं। अगर उरुची लियोना का बात कर लें तो हम उसको दिए आंकने सेट, यहाँ पर जिंटामा कूलडाउन कार्ड, उसका 5 PG दिए हुए हैं, क्योंकि 5 PG हम लोग काफ़ी सारे समय इंस्टॉल करके रखे रहता है। स्टोन्स की बात करें तो हम इसको तीनों ही स्लॉट्स में डबल अटैक स्टोन दिए हुए हैं, जो आपको भी देना ही चाहिए। अगर लीडरशिप की बात करें तो SS ईओरी हम लोग लीडरशिप में हम लोग को 50% अटैक देता है और पावर चार्जर में 15% देता है, जो आपको पिछला वीडियो अगर ध्यान में होगा आपको, तो आपको हम बताया था कि यहाँ पे हम लोग को पावर चार्जर चाहिए, जिससे हम लोग अपने 3 PG स्किल को बार बार इस्तेमाल कर सकें। और अगर ओरुची लियोना की बात करें तो SS कैरेक्टर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरुची लियोना सेकेंड स्किल में इंक्रीजेस पावर चार्जर बाय 70% फॉर 7 सेकेंड्स। तो ये चीज़ हम लोग का पावर चार्जर सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे, अगर अपना सेकेंड स्किल इस्तेमाल करती है तो, जिसके वजह से उसको पावर चार्जर लीडरशिप को उतना खास ज़रूरत नहीं है। गाइस, हम सभी को पता है कि हम लोग के SS कैरेक्टर्स और BS कैरेक्टर इस गेम के सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ यही चेक करना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देखें तो कोलैब और आपके गेम में जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर उनके इस्तेमाल करते हुए तो आप तो इमॉर्टल को क्लियर कर ही सकते हैं, और भी बाकी इमॉर्टल्स को क्लियर कर सकते हैं। मगर क्या जो ये SS और BS कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा फ़र्क लेके आते हैं क्या, कि आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इन्हें क्लियर कर सकते हैं? मेरा टारगेट यही है इस रन में चेक करने के लिए। उम्मीद करें आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं, कि मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि हम दिखाएं कि लो देखो मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मेरा वो सब फ्लैक्स करने का कुछ इंटेंशन नहीं है। तो अब इतना सब ध्यान में रखते हुए सीधे शुरू करते हैं।
कभी यूं हुई न थी। तो गाइस जैसा है आपने देखा कि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, हम थोड़ा होप तो कर रहे थे मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इसको अंडर 40 सेकंड्स डिफीट कर देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो शॉकिंग था। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा और आपको भी ऐसे ही झटका लगा कि इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है ये लोग। और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो उसे लाइक करिएगा और आप इमॉर्टल को हरा पाएं कि नहीं इसी नीचे होता ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।